लता दीदी प्रणाम, मैं नरेंद्र मोदी बोल रहा हूँ। प्रणाम। मैंने फोन इसलिए किया क्योंकि इस बार आपके जन्मदिन पर मैं हवाई जहाज में ट्रैवलिंग कर रहा हूँ। अच्छा। तो मैंने सोचा जाने से पहले ही आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, अग्रिम बधाई दे दूं। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, आपका आशीर्वाद हम सभी पर बना रहे, बस यही प्रार्थना। और आपको प्रणाम करने के लिए मैंने अमेरिका जाने से पहले ही आपको फोन कर दिया। आपका फोन आएगा ये सुन के ही मैं बहुत ये हो गई थी। आप जाके कब वापस आएंगे? मेरा आना होगा 28 लेट नाइट और 29 मॉर्निंग, और तब अच्छा, आपका जन्मदिन हो गया होगा। अच्छा, जन्मदिन तो क्या मनाएंगे, और बस घर में ही सब लोग। दीदी तो देखिए, मुझे तो आपका मतलब आशीर्वाद मिले तो। अरे आपके आशीर्वाद हम मांगते हैं, आप तो हमसे बड़े हैं। उम्र से बड़ा तो बहुत कुछ लोग होते हैं, पर अपने काम से जो बड़ा होता है उसका आशीर्वाद मिलना बहुत बड़ी चीज होती है। दीदी आप उम्र में भी बड़ी हैं और काम में भी बड़ी हैं, और आपने तो ये जो सिद्धि पाई है ये साधना और तपस्या करके पाई है। मैं तो सोचती हूँ कि ये मेरे माता पिता का आशीर्वाद है और सुनने वालों का आशीर्वाद है, मैं कुछ नहीं हूँ। यही आपकी नम्रता जो है ये हम नई पीढ़ी के सबके लिए एक बहुत बड़ी शिक्षा है, बहुत बड़ा हमारे लिए इंस्पिरेशन है कि आपने जीवन में इतना सब कुछ क्लियर करने के बाद भी आपके माता पिता के संस्कार और उस नम्रता को हमेशा ही प्राथमिकता दी है। और मुझे तो खुशी है कि जब आप गर्व से कहती हो कि आपकी माँ गुजराती थी, और मैं जब भी आपके पास आया आपने मुझे हमेशा कुछ न कुछ गुजराती खिलाया। आप क्या है आपको खुद पता नहीं है, मैं जानती हूँ कि आपके आने से भारत का चित्र बदल रहा है, और वो वही मुझे बहुत खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है। बस दीदी आपके आशीर्वाद बने रहे, पूरे देश पर आपके आशीर्वाद बने रहे, और हम जैसे लोग कुछ न कुछ अच्छा करते रहे। मुझे आपने हमेशा प्रेरणा दी है, आपकी चिट्ठी भी मुझे मिलती रहती है, और आपकी कुछ न कुछ भेंट सौगात भी मुझे मिलती रहती है, तो एक अपनापन जो एक पारिवारिक नाता है उसका एक विशेष आनंद मुझे होता है। नहीं, मैं आपको बहुत तकलीफ नहीं देना चाहती हूँ, क्योंकि मैं देख रही हूँ, जानती हूँ कि आप कितने बिजी होते हैं और आपको कितना काम होता है, क्या क्या सोचना पड़ता है। जब आप जाके अपनी माता जी को पांव छू के आए देखा, तो मैंने भी किसी को भेजा था उनके पास और उनका आशीर्वाद लिया। हाँ, मेरी माँ को याद था और वो मुझे बता रही थी जी। हाँ। और टेलीफोन पे उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। हमारी माँ बहुत प्रसन्न थी आपके इस प्यार के कारण। जी जी। और मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आप हमेशा मेरी चिंता करती हैं। और फिर एक बार मैं आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। इस बार मुंबई आया तो मन करता था कि रूबरू आ जाऊं, लेकिन समय की इतनी व्यस्तता थी कि मैं आ नहीं पाया। लेकिन मैं बहुत ही जल्द आऊंगा और घर आकर के कुछ गुजराती चीजें आपके हाथ से खाऊंगा। जी जरूर जरूर जरूर, ये तो मेरा सौभाग्य होगा। प्रणाम दीदी। प्रणाम। बहुत शुभकामनाएं आपको। बहुत बहुत प्रणाम। प्रणाम।